Hello you all, in this video tutorial I am going to show you how to make a navigation bar in Adobe Muse. So let's get started. आपको सीधे simply क्या करना है, home पे जाना है. अब simply text file create करके इस तरीके से आप menu create कर सकते हैं. या तो आप ऐसे नहीं जाके, ये तो काफी long process हो गया. मैं आपको easy way बताता हूँ. आप यहाँ से simply क्या कर सकते हैं, widget and library पे जाना है, उसके बाद menu पे जाना है. उसके बाद आप कोई भी यहाँ से menu choose कर सकते हैं. क्योंकि ये Adobe software है इसलिए बहुत स्मार्ट है. ये क्या करता है आपकी, जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल चूज़ की, ये क्या करेगी, आपने जितनी पेजेस बनाई है उतनी पेजेस की कंटेंट यहाँ पे दे देगी. जैसे कि मैंने तीन पेजेस बनाई थी, होम, कंटेंट एंड अबाउट अस, तो ये तीन पेजेस यहाँ पे ला के रख दिए. इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं दोस्तों. आप क्या कर सकते हैं कि आप इसे वर्टिकली यहीं से कर सकते हैं, अच्छा है तो हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं, टॉप लेवल पेज, ऑल पेजेस एंड मैन्युअली. मैन्युअली का मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर आप मैन्युअली पे क्लिक किए तो क्या होगा कि एक बटन ये ला के रख देगा. आपको क्या करना है, आपको हर एक बटन आपको खुद क्रिएट करनी पड़ेगी. जैसे कि प्लस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे जस्ट नाम चेंज करना है, होम, कॉन्टैक्ट और यहाँ पे सिंपली अबाउट अस. तो ये आप मैनुअल भी क्रिएट कर सकते हैं. बट क्या मैं मैनुअली नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा विजिट पे क्लिक किया, मैंने हॉरिजॉन्टली लिया और फिर से मैंने बनाया. मैं क्या करूँगा कि जैसे ये है मैं वैसे रखूँगा, बस थोड़े से ये नीचे कर देता हूँ, ठीक है. उसके बाद क्या करना है आपको, कि आपको सिंपली जाना है इस होम पे क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है. जैसे कि मैंने एक इस पे क्लिक करने के बाद आपको डबल क्लिक करना होता है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए. तो मैं इस पर क्या करूँगा, कलर फिल करूँगा, क्योंकि मैं अभी एक्टिव में हूँ. मैं क्या करूँगा, नॉर्मल पे आऊँगा. इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि मैं पहले इसे प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ, आप समझ जाएंगे कि क्या होता है. ये देखिए, मैं क्योंकि मैं होम पेज पे हूँ इसलिए होम एक्टिव दिखा रहे हैं, ठीक है. मैं कंटेंट एंड अबाउट अस पे देख रहा हूँ. ये देखिए, रोल ओवर मैंने किया, ये देखिए कलर चेंज हो जा रहा है. एक्टिव करने के बाद फिर कलर चेंज हो जाएगा. सेम रोल ओवर करने के बाद चेंज हो जा रहा है, ये कलर चेंज हो जाता है. सिंपल प्रोसेस है. आपको क्या करना है, बस इस पर जाना है, नॉर्मल पर जाना है, क्लिक करना है, कलर नन कर देना है. और ये क्योंकि हम लोग ने मैनुअल नहीं किया है इसलिए आप एक पे चेंज करेंगे तो ये सारे पे चेंज हो जाएगा. तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका कलर अब रोल ओवर पे ये हटा दे रहा हूँ और मैं यहाँ पे कलर दूंगा. मैंने ये कलर यहाँ पे दे दिया. अब क्या है कि आपको क्या करना है, आप फिर माउस डाउन पे भी हमें कुछ नहीं चाहिए, और जब ये एक्टिव हो तो हमें पिंक कलर चाहिए, ठीक है. और ये सारे पे एक्टिव हो जाएगा. हम प्रीव्यू करके देख लेते हैं. ये देखिए, हम क्योंकि हम होम पेज पे है, ये होम पहले से पिंक कलर पे है, मतलब ये एक्टिव है. उसके बाद क्या है, रोल ओवर पे देखिए कलर यहाँ चेंज हो चुका है, फिर रोल ओवर पे चेंज हो जाता है. अब जिस पेज पे जाएंगे उस पेज की कलर चेंज हो जाएगी. अब और ये रिस्पॉन्सिव भी होता है दोस्तों. मैंने इसे क्या किया, मैंने रिस्पॉन्सिव बनाया. अगर आप इसे ब्राउज़र को छोटे करेंगे तो ये देखिए ऑब्जेक्ट भी मूव हो रही है. तो ये रिस्पॉन्सिव भी है दोस्तों, आप इसे मोबाइल में भी इजीली यूज़ कर सकते हैं. बट मैं चाहता हूँ कि ये और थोड़ा बड़ा हो जाए ताकि देखने के लिए सही लगे. अब सही लगे. अब मुझे क्या करना है, मुझे एक लोगो चाहिए इस जगह पे. तो मैं सिंपली क्या करूँगा, लोगो ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा. मैं क्या किया, सिंपली गया, मैंने कोई भी लोगो चूज़ किया और म्यूज़ पे ला के रख दिया. मैं क्या करूँगा, इस यहाँ पे म्यूज़ पे ड्रॉ करूँगा, ठीक है. ये मैंने किया. आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इसे जाके कोने पे रख देना. तो मैं इसे प्रीव्यू करूँगा ब्राउज़र पे. ये देखिए, ये इजीली प्रीव्यू हो गया और ये रिस्पॉन्सिव भी है दोस्तों. आप अगर छोटा करेंगे तो ये देखिए लोगो भी छोटी हो रही है. अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे मैं लोगों को मैं साइड में लूँ तो काम कर सकते हैं. ये मैंने पिन कर दिया इसे और मैंने इसे भी पिन कर दिया. अब प्रीव्यू इन्हें ब्राउज़र करते हैं. ये देखिए, ये साइड पर चला गया. वो देखिए, वो एक ही साइड पे मूव कर रहे हैं. और चाहे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों. जैसे कि मैंने ये किया, टेक्स्ट पे क्लिक किया, मैंने टेक्स्ट पे मैं जाके इसे बोल्ड कर सकता हूँ क्योंकि एक्टिव पे है इसलिए बोल्ड हो जाएगा. तो मैं एक्टिव पे नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा नॉर्मल पे. नॉर्मल पे जाके मैंने इसे बोल्ड कर दिया तो सारा बोल्ड हो गया. अब व्यू करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे सारा बोल्ड है. इस तरीके से आप इजीली नेविगेशन बार बना सकते हैं. तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में बस इतना ही दोस्तों. अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें. फॉर मोर अपकमिंग वीडियो स्टे ट्यून्ड विद XOAD. पीस.